मुझे पता नहीं आज के मैच फिर से हार जाएंगे जीत पाएंगे भाई। ऑलरेडी 15 ओवर हो चुकी है, लास्ट के 5 ओवर बाकी है, देखते भाई क्या होता है। अरे कृणाल कृणाल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बॉल को इतना घुमा मत, बॉल हाथ से गिर जाएगा भाई। उस बॉल को भाई पिच के अंदर घुमा तभी काम आएगा। देखो नीचे स्कोर कार्ड के अंदर क्या लिखा है भाई, 30 बॉल में चाहिए 26 रन। भाई कैसे डिपेंड करेंगे भाई, जितना दिन जा रहा है उतना ही मेरे ऊपर मुश्किल से मुश्किल मैच आ रहा है। यहाँ पे रादर फोर्ट मैच हो गया फोर्ट है, पहला विकेट पहली बॉल में। कृणाल कृणाल माशाल्लाह। न्यू बल्लेबाज आई है डेविड द उइली, 141 का स्ट्राइक रेट, मैं जानता नहीं था यार, और मैं भूल भी गया था कि बैंगलोर की ओर से डेविड उइली खेलता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो एक रन लेके फिर से हम लोग को स्ट्राइक पे दिया डेविड उइली को। वाओ कृणाल कृणाल माशाल्लाह माशाल्लाह, सॉरी कृणाल भाई, हर एक बॉल इतना ध्यान से बोल। ओह चलो फील्डर है भाई, ज़्यादा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है, पर जो बोल रहा था हर बॉल को ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि एक भी बॉल अगर बाउंड्री किया, बॉल देख के लगता है बिल्कुल भी परफेक्ट है। यहाँ पे कांड कर दिया भाई, परफेक्ट बॉल डालने का क्या मकसद था भाई, मुझे पता नहीं था भाई, क्या जरूरत था परफेक्ट बॉल डालने का, क्या हुआ ये सिक्स मार दी। आ गया चबीरा बहुत दिन के बाद, देखते भाई हमारा चबीरा इस मैच को बचा पाएगा। फील्डिंग चेंज किया हम लोगों ने, एक स्लीपर खड़ा किया उस साइड में, हम लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा, डॉट करो नहीं तो विकेट लो, तभी मैच जीतोगे। हम लोगों ने बोलते बोलते पे 3 बॉल डॉट कर दिया, और ये हम लोग इनस्विंग बॉल, ये बॉल भी डॉट, कार्तिक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये लास्ट बॉल है, अगर डॉट करवा दी पूरा ओवर मेंटेन, यस ये ओवर के अंदर एक भी रन नहीं, अभी 18 बॉल में चाहिए 14, देख सकते हो यहाँ पे पूरा सफेदी सफद। चमीरा तूने तो मेरा दिल चुरा लिया, आप लोगों का भी दिल चुरा लिया। अभी हमारे बॉलिंग कर रही है नदीम, हो जाओ अभी छोटा भीम, लड्डू ठूसो पेट के अंदर हो जाओ दिम में। एज यूजुअल 18 बॉल में चाहिए 14 रन मैच को जीतने के लिए भाई, इस दोनों को आउट करना पड़ेगा, डेविड उइली को कार्तिक के ऊपर। अभी सिंगल रन भी बहुत ही महंगा पड़ेगा, ये रन आउट का अपडेट कब आएगा अश्विन के अंदर मुझे बताओ। ए अश्विन बोले बाप सुनो रे बाबा, दिनेश कार्तिक यहाँ पे बहुत ही पास है 50 के, आपने कैच। दिनेश कार्तिक आउट कर दिया हम लोगों ने प्रो बल्लेबाज को। नेक्स्ट बल्लेबाज आ चुकी है 182 हसरंगा, ये कहाँ बैठा था यार, ऑडियंस के बीच में बैठा था क्या। अभी चाहिए 16 बॉल में 13 चाहिए मैच को जीतने के लिए भाई, कैसे भी करेंगे ये ओवर डॉट करो। अभी देखो 2 बॉल डॉट होने के बाद 13 बॉल में 13 चाहिए भाई, 13 = 13, देख रहे हो। डिफेंडिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मैं जानता भी हूँ कैसे डिफेंड करना होता है और कैसे खेलना होता है, ठीक है, चेजिंग मेरे से होता नहीं है। ये बॉल भी डॉट, देखा अभी कृणाल कृणाल माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी एक ही काम है डॉट करती जाओ भाई, मुझे लिटरी आप तो मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ पैर सब कुछ काम रहा है भाई, कहाँ से बॉल डालू, पर ये अनपरफेक्ट बॉल था। चल झूठा, ये ओवर क्या गया भाई, सिर्फ एक रन इस ओवर के अंदर। विलियम पे मारने गए तो आउट हो गए भाई, क्या स्पिन किया भाई, एक बार रिप्ले तो देखो यार। विकेट विकेट विकेट, आई डोंट लाइक विकेट, आई अवॉइड विकेट, बट विकेट लाइक मी। लास्ट ओवर करेंगे मेरा फेवरेट बॉलर लखनऊ की ओर से, लखनऊ की ओर से फेवरेट बॉलर चमीरा साहब, पर आज मैंने बाल पे तेल लगाया था भाई, कैसा लग रहा है भाई, हाथ बहुत ही स्लिप कर रहा है, बॉल ठीक तरह से नहीं कर पा रहा यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, 6 बॉल में चाहिए 12, पर एक भी बाउंड्री नहीं आना चाहिए इस ओवर के अंदर, ठीक है। चलो डॉट बॉल, सेकेंड बॉल सामने 182 हसरंगा, चलो कैच है। अरे भाई जिस तरह से ऊपर में हाथ किया था कीपर में, मुझे लगा था कैच होगा, पर चार चला गया भाई बाउंड्री नहीं देने का यार, फिर से मेरे सर के ऊपर टेंशन ला दी। 4 बॉल में 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए भाई साहब, 182 हसरंगा तो फुल फॉर्म में, ये बॉल लगता है परफेक्ट है। चलो परफेक्ट बॉल, ये बॉल क्या तो कुछ तो होना। क्या हो रही है आप लोगों में सपना देखा तो वो टूट रहा है भाई, भाई कितना जोर से बल्ला चला रहा था भाई, अगर टच होता भाई लिटरली ये बॉल भी सीख जाता भाई। ये सब एटीट्यूड बाद में देखा ना, पहले बॉलिंग करो, एक बॉल में 2 रन चाहिए तभी भाई, एक बॉल में 2 रन, राम 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 रासारंगा भाई, क्या मैच गया सुपर ओवर के अंदर भाई, 2 रन भी नहीं कर पाए भाई, हम लोग भी मैच सेव नहीं कर पाए, फिर से सुपर ओवर का, फिर से नहीं पहला सुपर ओवर हमारा इस RCPL 2022 टूर्नामेंट के अंदर सुपर ओवर होगा। देखो मैं आप लोग को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, संडे मस्त नहा धो के आना, सुपर ओवर एक साथ होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। मिलेंगे हम लोग संडे सुपर ओवर के अंदर, क्या बात है भाई, संडे सुपर ओवर क्या बात है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।